गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ई क्लासेस। आई होप यू आर फाइन। टुडे आई विल कंटिन्यू चैप्टर 4, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपने अभी तक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन देखे, आज आपका क्या है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको क्या है, पहले यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद आपको ये माइंड में लगाना है कि आपको किस में से किसको माइनस करना है। नेक्स्ट फिर आप उसके आंसर को लिखेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनल हैड 8 स्टाम्प्स, सी लॉस्ट 3 ऑफ देम, हाउ मैनी स्टाम्प्स आर लेफ्ट विथ हर। मतलब सोनल के पास 8 स्टाम्प्स थे, उसने 3 क्या हो गए, उससे खो गए। अब उसके पास टोटल कितने स्टाम्प बचे हैं। आप लोगों को मैंने बच्चों बताया था कि अगर आपको नॉर्मल फिंगर काउंटिंग नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, सोनम के पास कितने थे, 8। आप 8 लाइन ड्रॉ की, फिर आपने उस सेकेंड लाइन में क्या है कि उससे 3 खो गए। तो जब उससे 3 खो गए तो उसका मतलब हो गया कि आप उसमें से 3 लाइन को कट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास कितना बचेगा, 5। सेम इसी मेथड पे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, T2 had 9 balloons, 4 of them blew away, how many balloons are left with them। मतलब T2 के पास 9 बैलून यानी 9 गुब्बारे थे, 4 उसमें से उड़ गए। अब बताइए T2 के पास कितने गुब्बारे बचे। तो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितना है, 9, और उसमें से कितने बैलून्स उड़ गए, 4। तो आप पहले क्या करेंगे, 9 लाइन को ड्रॉ करेंगे, 9 में से 4 बैलून उड़ गए हैं तो 4 लाइन को कट करेंगे। जब आप 4 लाइन कट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5। तो इस तरह T2 के पास अब टोटल कितने बैलून्स बचे हैं, 5। नेक्स्ट आपका है, देखिए, गीता बॉट 7 बनानास, हर ब्रदर ईट 3 ऑफ देम, हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट विथ गीता। गीता के पास कितने बनाना थे, 7, और 3 उसके भाई ने खा लिए। अब गीता के पास कितने बनानास बचे हैं, कितने बनानास बचेंगे, 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। 7 में से आप फिंगर काउंटिंग करिए या लाइन ड्रॉ करके करिए, आप 7 लाइन खींचिए, उसमें से माइनस 3 यानी कि 3 लाइन को कट कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हो जाएंगे, 4। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सभी को अच्छे से केयरफुली रीड करके सॉल्व करने हैं। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। जैसे 7 में क्या दिया है, देयर आर 8 इनलैंड लेटर्स, 5 ऑफ दिस हैव स्टाम्प, हाउ मैनी इनलैंड लेटर्स आर विदाउट स्टाम्प। यानी कि यहाँ पे 8 में से 8 लेटर ऐसे हैं जिनमें स्टाम्प नहीं लगा है और 5 लेटर में स्टाम्प लगा है, तो आपको बताना है कि कितने लेटर्स में स्टाम्प नहीं लगाना है। तो आप क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने लेटर्स में स्टाम्प नहीं लगे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर एंड ये आंसर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू क्लास।